वाराणसी जनपद की ग्राम पंचायत कोचेवाही में खेत में रखे तीन आदिवासी किसानों की धान की पुआल को अज्ञात बदमाशों ने आग लगा दी, जिससे धान की पुआल पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। इस आगजनी में तीनों किसानों को करीब 2.5 लाख रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। घटना की जानकारी देते हुए तीनों किसानों मांगेलाल वट्टी, विनोद भलावी एवं धनराज गोडेकर ने बताया कि करीब 10 एकड़ में मोटे किस्म की धान लगी थी, जिसे काटने के बाद उसे गहाने के लिए गांव के बाजार चौक के मैदान के पास खलिहान बनाकर रखा था, जिसे रात्रि में किसी ने आग लगा दी। ये था 2:15, ये 12 बजे के बाद की, 12 से रात में जलते देखते तो बुझा डालते देखे चले जाए। इन्हें सुबह सुबह पांच बजे ये मतलब 12 के 5 छुआ है, 4 बजे जा रहा था बाहर, बाहर से आया उधर देखता हूँ चिल्लाने लगे क्या जल गया क्या जल गया, दौड़ते आके देखे तो पूरे पुंजने जल गए। इन किसानों ने बताया कि इस आगजनी में उनकी करीब 2.5 लाख रुपए की कीमत की 125 क्विंटल धान जलकर खाक हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर बार न्यूज, बालाघाट।